अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया है कि इसमें मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ ऑल द नॉलेज अबाउट फेक नेल्स और प्रेस ऑन नेल्स। इसको लगाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। वन इज़ कि हम या तो हम ग्लू ले लें, नेल ग्लू, उसे हम अटैच कर लें, या हम दराज से, जैसे मैंने ऑर्डर की, ये डबल साइडेड टेप होती हैं, इसमें ये 100 होती हैं, इसमें हम इसको यहाँ से उतारेंगे अपने नेल पे। यू कैन सी इट और नॉट, आई, ये ऐसे है, ठीक है, ये हम यहाँ से उतारेंगे, अपने नेल प्रेस करेंगे और फेक नेल लेंगे हम, उसके ऊपर प्रेस करके हम उस पर लगा देंगे तो वो अब अच्छी तरह से उसको होल्ड कर लेता है ये। और सेकंड होता है जो इसको हम अप्लाई करते हैं नेल ग्लू से, वो आई थिंक थोड़ा मतलब मुझे मुश्किल लगता है कि उसमें यह है कि हमें उसको रिमूव करना, अप्लाई करना तो नो डाउट बहुत ईजी है, उसको हम जस्ट हम एक ड्रॉप यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, उसको थोड़ा स्प्रेड करेंगे और अटैच कर देंगे नेल अपने ऊपर, बट उसको रिमूव करना वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसको हम रिमूव इजिली बहुत नहीं कर सकते। हम उसको वार्म वाटर लेंगे, उसमें अपने हैंड्स हम डिप करके बैठ जाएंगे, फिंगर टिप्स अपनी, और फिर हम वेट करेंगे, उसको बार हिला के देखेंगे, उसको वेट करेंगे हम कब वो थोड़ा सा अपने अपनी ग्रिप छोड़े, हम नेल उतारें अपना। जबकि मैंने जो अभी बाई किए हैं, कुछ मार्केट से इजिली अवेलेबल होते हैं, आप बाई कर सकते हैं, मैंने जो नेल्स बाई किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन से बाई किए हैं, और हम उसको अप्लाई भी करेंगे अभी के हम कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ये हैं इन द शेड मरून, ये आप देख सकते हैं, जैसे इसको हम ओपन करेंगे, एज यू कैन सी के इसकी शेप है स्क्वायर, जबकि मेरे अपने नेल्स हैं आलमंड शेप में, तो इसलिए मैंने लिया है कि मुझे थोड़ा कभी हमारा चेंज करने को भी, शेप चेंज करने को भी दिल करता है, तो हम स्क्वायर शेप हम ऐसे लेके यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फाइलिंग आर नेल्स के हम उसको फाइल करें, उसको शेप हम ख़राब करें, उससे बेहतर हम ये स्क्वायर में हमें मिलते हैं। हम इसको जस्ट हम यहाँ नीचे ग्लू लगाएंगे या हम टेप लगाएंगे डबल साइड और हम यहाँ प्रेस कर देंगे, सी ऐसे, ठीक है। तो एक सेट तो था ये मैरून शेड में, माय सेकंड सेट इज़ इन द शेड न्यूड, एज यू कैन सी व्हाट्स रिटन ऑन इट, आई एम द हीरोइन, नो आई एम नॉट, सो नेचुरल बेटर देन योर्स, हेयर अगेन आई डिसएग्री बिकॉज आई लव माई ओन नेल्स। अच्छा तो अब हम इसे ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि ये कैसे है, तो ये देख सकते हैं कि इसमें, लेट मी पुट इट असाइड, इसमें हमें ग्लॉसी भी है और मैट, दोनों तरह के हमें नेल्स इसमें मिल रहे हैं। दिस वन इज़ ग्लॉसी, शाइन है इस पर, और ये आई थिंक फिक्स होगा मेरे नेल पे ऐसे, और दिस वन इज़ मैट, ये इस पर शाइन नहीं है। न्यूड कलर का ये होता है कि हम इसे किसी भी, कोई भी कलर का हमारा ड्रेस होता है, हम इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कलर के साथ जाएगा, हर कोई भी ड्रेस हो किसी भी कलर का। एंड द थर्ड वन इज़, इस पर थोड़ा मुझे नेल आर्ट मिला तो मैंने ये कलर लिया, तो इनके साथ इसकी हम बाद में बात करते हैं। इसमें ये आपको जैसे नज़र आ रहा है, ये मैच में है, बहुत ब्यूटीफुल कलर है, अप्लाई हुआ बहुत अच्छा लगता है, और इसमें टाइगर प्रिंट, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइगर प्रिंट हुआ हुआ है, एनिमल प्रिंट भी कह सकते हैं, टाइगर प्रिंट कैसे, इसमें मैं ट्यूटोरियल भी है, यू कैन गो एंड वॉच, मैं उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दूँगी, ऐसे हम इसको प्रेस कर सकते हैं। तो ये हैं तीन, ये हम इसमें, ये तीन कलर्स में आ गए, और एक ये है, ये ट्रांसपेरेंट है, इस पर हम अप्लाई करने का प्रोसीजर इसका सेम होगा, इसको हम अप्लाई करके इस पर हम कोई भी नेल आर्ट कर सकते हैं, कोई भी हम इस पर नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसको लेट मी ओपन इट, तो ये ऐसे, इनकी शेप भी आलमंड शेप है, सेम मेरे अपने नेल्स की तरह, इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम कोई भी नेल पेंट करेंगे और वी आर गुड टू गो, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि हम इसको अप्लाई, मैं आपको करके दिखाती हूँ, लेट मी चूज़ कि मैं आप लोगों को कौन सा इनमें से अप्लाई करके दिखाऊँ अपने हैंड्स में, आई थिंक आई शुड गो फॉर, नो आई गो विद द डार्कर टोन्स। ये ग्लू है जो हमें मिली है इस सेट के साथ,
ये सेट्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, इनके साथ भी ग्लू हमें मिल जाती है। तो इसका भी ये प्रोसीजर होता है कि हम इसके यहाँ से रिमूव करते हैं ग्लू और अपने नेल पे प्लेस कर लेते हैं। एक मैं आपको इससे लेके दिखाती हूँ और एक मैं आपको जो मैंने खुद से ऑर्डर किया हुआ है उससे करते हैं। हम ऐसे लेंगे इसको अपने नेल पर, ये स्टिक साइड अपने नेल पर हम इस तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे और अब इसके ऊपर ये एक लेयर है जोंसी, इसको हम ऐसे रिमूव कर देंगे। सी यहाँ से थोड़ी सी रह गई है तो इसे अब हम ऐसे रिमूव कर देंगे और अब हम अप्लाई करेंगे इस पर अपना डार्कर टोन का नेल। ये हम करेंगे और इसको प्रेस करेंगे और वी आर डन। इतनी सी बात थी, बस ऐसे ही मैं बाकी नेल्स भी अप्लाई करती हूँ। इस नेल पर मैं आपको इस ये अप्लाई करके दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। इसको अब हम पहले नेल पे प्लेस करेंगे और हम इसको ऐसे रिमूव कर लेंगे, अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे पहले और फिर ऐसे हम इसको रिमूव कर लेंगे। ये हमारे नेल पे लगी ग्लू। अब हम यहाँ से अपने साइज का लेंगे नेल, ऐसे थोड़ा से पीछे की तरफ पुश करेंगे और ऊपर से ऐसे प्रेस कर लेंगे। सी सो इजी। अगेन विल टेक दिस ग्लू इससे हमारे नेल्स के देखेंगे एकदम से लुक भी चेंज हो गया और ये एज यू कैन सी ये उतर भी नहीं गए। इसको हम जितना मर्जी जोर से करके देख लें ये उतर भी नहीं गए। इसको आप चाहें तो आगे से फाइल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फाइल कर लें, इसकी लेंथ कम कर लें, इट्स अप टू यू, जैसा आपको अच्छा लगे। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है एज यू कैन सी दिस, ये नहीं उतरा। इसको हम जितना मर्जी हम प्रेस कर लें, फुल जोर से भी हम प्रेस कर रहे हैं तो नहीं उतरा। जो मरून शेड में इनके आगे से थोड़ा सा एजेस रफ हैं इनके टिप्स, इसको हम इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसको फाइल कर लेंगे जो हमारे पास ज़्यादा। सी हम इसे फाइल भी कर रहे हैं तो इस पर हमारा नेल उतर नहीं रहा, इसकी ग्रिप इतनी अच्छी है इस टेप की। इसका देखिए अभी कैसे, अभी मैं आपको फाइल करके दिखाती हूँ कि ये हो गया हमारा प्रेस ऑन नेल्स का ट्यूटोरियल। आई होप यू गाइस लाइक दिस, और अगर आपने लाइक नहीं किया अब तक तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इज़ इट हेल्पफुल और नॉट, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम लविंग देम, दे आर सो प्रीटी। ओके, take care, bye-bye.